सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, इतनी ज्यादा भूख है इन नए यूट्यूबर्स के अंदर अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कि ये दिन भर इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि मेरे चैनल पर कितनी तेजी से कितनी जल्दी सब्सक्राइबर्स इन्हेंस हो जाएं, कितनी तेजी से हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएं, बढ़ जाएं। और उसी चक्कर में ये कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिस वजह से इनका चैनल भी रिस्क में आ जाता है और ये अपने चैनल के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर उठते हैं, जिससे क्या होता है कि ये मेहनत तो करते रहते हैं लेकिन इनके मेहनत का कोई फल इनको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सब फॉर सब के विषय में कि आपको सब फॉर सब करने से आपके चैनल पर ये क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं एवन टेक्नोलॉजी, आइए कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो दूसरे के कमेंट सेक्शन में जा करके वहां पर लिख देते हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, या जो भी मेरे कमेंट को लाइक करेगा मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, या फिर आप मुझे एक आईडी से सब्सक्राइब करिए मैं आपको 5 ईमेल आईडी से सब्सक्राइब करूंगा, या फिर डन दो डन लो, या फिर कहते हैं कि आप मेरे घर विजिट करिए मैं आपके घर विजिट करूंगा। तरह तरह के ट्रेंड चलते रहते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है डन दो डन लो का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सब फॉर सब के विषय में कि ये करने से आपके चैनल पर क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। दोस्तों, आजकल बिगिनर यूट्यूबर्स के अंदर एक बहुत बड़ा एडिक्शन देखने को मिल रहा है कि जैसे ही वो लोग नया चैनल ओपन करते हैं वैसे उनके दिमाग में यही उधेड़बुन चलने लगती है कि कितनी तेजी से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गेन कर लूं, कितनी तेजी से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कर लूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये इंडिया है और यहां पर जुगाड़ तुरंत निकल आता है, जैसे ही कोई नियम बनता है उसके विरुद्ध एक जुगाड़ जरूर निकल आता है। तो जैसा कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आया वैसे ही एक नया जुगाड़ आ गया कि भाई सब फॉर सब करके आप अपना 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के आड़ में उसी के साथ साथ वॉच टाइम वर्सेस वॉच टाइम भी चलता रहता है, ये पैटर्न भी चलता है यूट्यूब पर, मैं आपको बता देना चाहता हूं और बहुत से लोग जान भी रहे होंगे। तो बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं कि जैसे ही वो अपना चैनल ओपन करते हैं वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स को वो ज्वाइन कर लेते हैं, सब फॉर सब वाले ग्रुप्स को, और वहां पर दिन भर बैठ करके सब फॉर सब सब फॉर सब सब फॉर सब खेलते रहते हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं और कुछ गेन भी करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें वो अपने कॉन्टेंट से भटक जाते हैं, अपने उसमें कॉन्टेंट पर फोकस उनका खत्म हो जाता है धीरे धीरे और उनके अंदर एक एडिक्शन आ जाता है कि भाई मैं अगर 4 घंटे बैठूंगा 3 घंटे बैठूंगा तो मैं 50 सब्सक्राइबर्स गेन कर लूंगा या 100 सब्सक्राइबर्स गेन कर लूंगा, और वो डेली काउंट करते रहते हैं कि भाई आज 10 दिन हो गए, आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, या फिर आज मैंने 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, या आज मैंने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, दिन भर यही करते रहते हैं और वो अपने कॉन्टेंट से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब फॉर सब जो है आपके चैनल के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। देखिए, सब फॉर सब करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी रुचि आपके कॉन्टेंट से हट जाती है और आपको लगने लगता है कि सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत वैक्स हैं और बहुत इजीली हम लोग इन सारी चीजों को गेन कर सकते हैं, सारे माइलस्टोन्स को कवर अप कर सकते हैं। भाई 1000 सब्सक्राइबर, 4000 पब्लिक वॉच आवर धीरे से जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाएगा और अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि आपने 1000 सब्सक्राइबर सब फॉर सब से कर लिए तो वो 1000 के 1000 एक्टिव नहीं होंगे, बल्कि मैं आपको कहूं कि एक बंदा भी उसमें एक्टिव नहीं होगा जो आपकी वीडियो को रेगुलर वॉच करे। लेकिन जो ऑर्गेनिकली आप अपने सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपकी वीडियो चल गई या आपने अपने कॉन्टेंट पर फोकस किया, अच्छी वीडियो आपने डिलीवर करी अपने मार्केट में, मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, तो लोगों ने उसको देखा और वहां से अगर आपके पास 5 सब्सक्राइबर आए तो वो 5 सब्सक्राइबर हमेशा आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यू डिलीवर गुड वीडियोस। लेकिन अगर आप सब फॉर सब के पैटर्न से 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं तो उसमें से एक बंदा भी कभी 1 मिनट के लिए भी एक्टिव नहीं होगा आपके चैनल पर, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने 1000 लोगों को सब्सक्राइब किया तो उसने भी तो 1000 लोगों को सब्सक्राइब किया, तो आपके पास अगले दिन से 1000 नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई आप 1000 लोगों की वीडियो तो वॉच नहीं कर सकते ना, उसमें से आप क्या करोगे 5, 6, 7, 8, 10 लोगों की वीडियो वॉच करोगे मान लीजिए, या फिर वहां पर जाके आप कमेंट करोगे नाइस वीडियो नाइस शेयरिंग वगैरह 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 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और वो भी उसी तरीके से कमेंट करेगा, उससे क्या होगा कि उससे आपकी वीडियो का ऑडियंस अटेंशन एकदम कम हो जाएगा, उस पर वॉच टाइम एकदम कम हो जाएगा और यूट्यूब उस वीडियो को आगे सजेस्ट नहीं करेगा और वीडियो पर इंप्रेशन आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी आपके वीडियो पर कमेंट किया है ना कि नाइस वीडियो नाइस शेयरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करिए, खाली सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करिए कि ठीक है आपने उनको कल सब्सक्राइब किया था या उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया था, उन्होंने आपकी वीडियो में आज कमेंट कर दिया है तो आप भी उनकी वीडियो को वॉच करके कमेंट करोगे। हो सकता है कि आप ईमानदार हो, आप उसकी वीडियो को सामने वाले की वीडियो को पूरा वॉच करके कमेंट करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो है वो आपकी वीडियो को फुल वॉच करके उस पर कमेंट करे और जेन्युइन कमेंट करे, ठीक है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हो कि नाइस वीडियो नाइस शेयरिंग वगैरह वगैरह, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस टाइप के जो कमेंट्स होते हैं ये सभी कमेंट्स से स्पैम में चले जाते हैं, यूट्यूब इन कमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हो सके तो आप इस टाइप के कमेंट ना करें, जब भी कमेंट करें किसी के वीडियो में जेन्युइन कमेंट करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स
सब फॉर सब करके सब फॉर सब के पैटर्न से कंप्लीट कर भी लिए तो क्या भाई आपको 4000 पब्लिक वॉच आवर भी तो कंप्लीट करना है अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन पे भेजने के लिए। तो 4000 पब्लिक वॉच आवर करने कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने शुरुआत से अपने कॉन्टेंट पर फोकस तो किया नहीं, उसमें अपनी रुचि है, अपना इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। आपने अपना सारा इंटरेस्ट दिखाया है सब फॉर सब करने में। अगर आपने ऑर्गेनिकली अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने के पीछे पड़े होते कि अगर आपने ये सोचा होता कि मुझे वॉच टाइम जल्दी से कवर अप करना है, क्योंकि ये बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है, 4 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट करने के पीछे आप पड़े होते तो आपके 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर आपने गेन कर लिए होते। तो आपको कोई भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सब फॉर सब के चक्कर मत पड़ा करिए। क्योंकि मैं बता दूं कि मान लीजिए इत्तेफाक से आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करा भी लिया, आंधी चुक्की में मान लीजिए कि वो मोनेटाइज हो भी गया आपका चैनल, आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, 4 घंटे भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद आप फिर एक एक व्यू के लिए तरस जाएंगे, आपके चैनल पर व्यूज आने बंद हो जाएंगे, आपका चैनल धीरे धीरे डेड हो जाएगा। इसी वजह से मैं दोस्तों कहता हूं कि सब फॉर सब के चक्कर में ना पड़े, अपने कॉन्टेंट पर फोकस करें और उसी पर रुचि दिखाएं और उसको अच्छे से अच्छा रिफाइन करते रहें, डेवलप करें अच्छे अच्छे वीडियोज और अच्छे अच्छे वीडियोज अपने पब्लिक को डिलीवर करें, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि सब फॉर सब का क्या फायदा होता है। अब मान लीजिए कि आपके चैनल पर भाई 4000 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, या मान लीजिए 3500 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और आपके चैनल पर 800, 700 या 600 या 700 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, अब आपको मुश्किल से 200, 300 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है या 400-500 घंटों की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप जो आपका वॉच टाइम है उसको आप लाइव आकर के कवर कर सकते हैं भाई, अगर 400-500 घंटे बाकी हैं आपके चैनल पे तो उसको आप लाइव आकर के कवर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए आपके चैनल पर 200-300 सब्सक्राइबर्स कम है, 100-200-300 सब्सक्राइबर्स कम है, तो उन सब्सक्राइबर्स को आप सब फॉर सब की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 900 सब्सक्राइबर्स सब फॉर सब के पैटर्न से कंप्लीट करूं और महज 100 सब्सक्राइबर्स मैं खाली ऑर्गेनिकली कंप्लीट करूं, तो आपका चैनल ये समझ के चले कि आपका चैनल कंप्लीटली डेड हो जाएगा और उसको कभी भी कोई अलाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपने चैनल पर सब फॉर सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स और व्यूज जरूर ड्रॉप कर दें। और हां, नाइस वीडियो, गुड वीडियो, इस टाइप के कमेंट्स मत करिएगा, कुछ जेन्युइन कमेंट्स करिएगा ताकि आपका कमेंट मेरे तक पहुंच सके, वो स्पैम में ना चला जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।